हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे आलू और बेसन का बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम चीजी नाश्ता। फ्रेंड्स, इस नाश्ते को बनाना बहुत आसान है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इस नाश्ते को कभी भी जल्दी से झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 कच्चे आलू। आलू का छिलका निकाल के अच्छे से धो के मैंने इस तरह से इनको रख लिया है छिलका निकाल के। अब हम लेंगे बाउल। अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे इस तरह का एक ग्रेटर जिसमें सबसे बड़ा वाला होल होता है, एक इस तरह का एक सबसे छोटा होता है। तो जो सबसे बड़ा वाला होल है ना, उस होल से हम अच्छे से आलूओं को ग्रेट कर लेंगे, क्योंकि आलू की हमें लच्छे जैसे बनाने हैं। तो आपके पास जो भी ग्रेटर है वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से थोड़े से लच्छे जैसे बन जाए, इस तरह का ग्रेटर आपको ले लेना है। तो इसी तरह से हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सारे आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर ले लिया है ये आधा कटोरी बेसन। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि आप इसमें आधा कटोरी बेसन, आधा कटोरी सूजी, आधा कटोरी गेहूं का आटा, या फिर 2-3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर, या फिर आधा कटोरी मैदा, कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके पास अवेलेबल है। इन 4 और 5 चीज़ों से आप कुछ भी डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर आधा कटोरी बेसन डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, 1/3 चम्मच हम इसमें डाल रहे हैं यहाँ पर ये हल्दी का पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा इसमें। अगर आप बिना कलर के बनाना चाहते हैं तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, आप इसकी जगह सिंपल लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो हमें आलू का पानी नहीं निकालना है, आलू का जो पानी होता है उसी में हमें बेसन को मिक्स कर देना है। तो बहुत ज़्यादा बेसन भी ना डालें, कोई भी चीज़ डाल रहे हैं आप तो ज़्यादा ना डालें, नहीं तो उसी का फ्लेवर ज़्यादा आएगा। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो ये काफ़ी अच्छे से इस तरह से एक बाइंडिंग जैसी हो गई है इसकी। देखिए, बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर आना चाहिए। अगर आपको लगे कि इस तरह का टेक्सचर नहीं आ रहा है, अच्छे से बाइंड नहीं हो पाया है, तो आप जो भी चीज़ इसमें डाल रहे हैं, सूजी, बेसन, आटा, मैदा, कुछ भी, वो आप इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लें। बेसन डाल रहे हैं तो 2 चम्मच बेसन और डालिएगा लगे तो। अब इसको साइड से रख देते हैं। अब हम इसके लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो हम लेंगे एक बाउल। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 बारीक कटी हुई प्याज, इसको मैंने एकदम बारीक काटा है, 1 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सब्जियाँ आपके पास जो है वो आप ले सकते हैं, बट जो मेन चीज़ है, जो मेन सब्जियाँ होती है हर किसी के पास अवेलेबल, वो ही मैं ले रही हूँ इसमें सादा। तो अब इसको इसमें बाउल में डाल दिया है, उसमें डाल देते हैं 1/3 चम्मच नमक, 1/3 चम्मच हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें ये पिज्ज़ा सीजनिंग। पिज्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, आप इसकी जगह इटालियन सीजनिंग, मिक्स हर्ब्स, जो भी आपके पास हर्ब्स वगैरह है वो आप डाल सकते हैं, कितना भी टेस्टी इसको बना सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर दीजिए। अब मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 2 चम्मच टमाटो सॉस, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और थोड़ी सी बाइंडिंग भी अच्छी हो जाती है इससे। तो आप अगर टमाटो सॉस नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच मेयोनीज भी डाल सकते हैं, अगर टमाटो सॉस नहीं है तो। तो इस तरह से देखिए, अच्छे से एकदम बाइंडिंग हो गई है। अगर कम लगे तो थोड़ा सा टमाटो सॉस और डालिएगा, तो अच्छे से इस तरह से एकदम बाइंड जैसा हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने देखिए बेसन का मिक्स भी बना लिया है और इधर मैंने स्टफिंग भी बना ली है। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो अब रखेंगे यहाँ पर गैस ऑन करके एक पैन, पैन की जगह आप तवा भी ले सकते हैं, तवे पर भी काफ़ी आसानी से बन जाता है ये। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, बहुत ही कम ऑयल में बनने वाला नाश्ता है। तो ऑयल मैंने अच्छे से ग्रीस कर दिया है पैन को। अब हमने जो मिक्स अभी रखा है बना के वो डाल देते हैं। तो हम यहाँ पर आधा मिक्स डालेंगे, आधा मिक्स हम बाद में डालेंगे। तो मैं यहाँ पर एक साथ बड़ा बना रही हूँ, आप छोटा छोटा इसमें से 2-3 भी बना सकते हैं, बट मैं बड़ा बना रही हूँ। तो आधा मिक्स मैंने अब डाल दिया है, आधे मिक्स को हम बाद में यूज करेंगे। तो इस तरह से अच्छे इसको एक लेयर इसकी बना देते हैं पतली सी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, हल्का सा मोटा रखेंगे, जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, डबल रखना है उससे, उसी साइज़ का हमें बनाना है, रोटी के साइज़ का ही। तो इस तरह से अच्छे से मैंने इसको फैला दिया है। देखिए, बहुत ही आसान सा नाश्ता है फ्रेंड्स, आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे अगर आपने एक बार ये नाश्ता बना के खा लिया ना, तो बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आ जाएगा। आपके घर में बच्चे बड़े सभी बड़े चाव से खाएंगे इस नाश्ते को। तो ये देखिए, इस तरह की हमें लेयर बनानी है, ना बहुत ज़्यादा मोटी और ना बहुत ज़्यादा पतली। देखिए बिल्कुल इस तरह से, तो इस तरह से मैंने इसको रख दिया है, फैला दिया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं और 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, यानी कि मीडियम से भी थोड़ा स्लो गैस होने चाहिए, उस पर हमें इसको पकाना है। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे जल जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा, वो पक नहीं पाएगा। तो इसे आपको ध्यान रखना है, गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है।
तो ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ऊपर से इसका कलर कितना अच्छे से चेंज हो गया, यानी कि नीचे से सिक चुका है। देखिए कोई भी परेशानी नहीं होती, इसको पलटने में काफ़ी आसानी से पलट भी जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया है, एकदम बढ़िया सिक चुका है ये देखिए। बट मैं आपको सिर्फ कलर दिखा रही हूँ इसलिए मैंने इसको पलटा है। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड से अभी नहीं सेकना है, इसको बाद में सेकेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्लिप करके एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो हम एक प्लेट में इसको अलग निकाल के रख देंगे, एक साइड से सिका हुआ एक साइड से कच्चा है, तो बाद में सेकेंगे, मैं आपको बताऊँगी, आप वीडियो पूरी देखें। तो अब फिर से हम गैस ऑन करके, गैस तो ऑन ही है, पैन रखेंगे और इस पर हम जो मिक्स बचा हुआ है ऑयल लगा के मिक्स को भी डाल देते हैं। तो सारा मिक्स डाल दिया है, इसको भी हम सेम प्रोसेस से फैला देते हैं, बिल्कुल उसी तरह का, उसी नाप का हमें बनाना है इसको भी, उतना ही मोटा और उतना ही बड़ा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको भी फैला दिया अच्छे से, हम इसको भी कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर इसको 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए इसका कलर भी काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया। अब हम इसको पलट देते हैं, हमें इसको बाहर नहीं निकालना है। अब जो गैस का फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो कर दें, या फिर आप बंद भी कर सकते हैं, स्लो ही कर दीजिएगा, इतना जल्दी नहीं वो पक पाता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्टफिंग बनाई है ना, उसको हम इस पर अच्छे से लगा देते हैं। ये देखिए आप इसमें स्टफिंग अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा बनाया है एक साथ। अगर आप दो बनाना चाहते हैं छोटे छोटे, तो दो भी बना सकते हैं। अच्छे से हम इसकी एक लेयर बना देंगे बढ़िया सी, तो पतला पतला सा इसको हम फैला देते हैं इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कम ऑयल का बहुत हेल्दी नाश्ता है, और झटपट से बन भी जाता है। इसको बनाने में मुश्किल से 15 मिनट का टाइम लगता है टोटल, घड़ी से मिला के ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने इसकी एक लेयर बना दी है, किनारियों पे भी अच्छे से फैला देंगे इस तरह से। देखिए काफ़ी बढ़िया लेयर एकदम बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे इस तरह के चीज़ स्लाइसेस। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ स्लाइस लिए हैं। अगर आपके पास स्लाइसेस नहीं है तो आप जो ग्रेटेड चीज़ होता है ना, मोजरेला चीज़ या प्रोसेस चीज़, वो भी लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप ऐसे ही लगा के इसको बना भी सकते हैं, सिंपल भी बना सकते हैं, तब भी टेस्टी लगेगा। बट चीज़ से क्या होता है, एकदम चीज़ी चीज़ी लुक आता है ना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर उसको निकाल के स्लाइस को हम इस तरह से लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 3 स्लाइस लगा रही हूँ, आप 3, 4, 2 जितनी आपको पसंद है उतनी लगा सकते हैं। अगर आपके पास मोजरेला चीज़ है तो उसको ग्रेट करके भी आप एक लेयर जैसी बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा एकदम बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से देखिए मैं 2 लगा दी हैं, एक को हम इस तरह से तोड़ के लगा देते हैं, क्योंकि इस तरह से साइड खाली है ना, इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए बढ़िया से सेट कर देना है। अब हमने जो दूसरा भी सेक के रखा था, जिस साइड से सेका है उस साइड से हम नीचे कर देंगे, और जो कच्चा है उसको ऊपर कर देंगे, क्योंकि अच्छे से सेकना भी है हमें बाद में। इससे ना नाश्ता बिल्कुल एकदम बढ़िया से पकता है अंदर से, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल साइड से लगा देते हैं इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल हम इस तरह से ऊपर से लगा देंगे, जिससे कि काफ़ी अच्छे से सिक जाए। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर देंगे ऑयल को, थोड़ा सा साइड से डाल दिया है, जिससे कि एकदम बढ़िया सा अंदर से पक जाए, सब्जियाँ भी थोड़ी सी पक जाए और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका रहे हैं। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको अच्छे से सावधानी से पलटेंगे, क्योंकि काफ़ी भारी हो चुका है ये, तो पलटने में थोड़ा सा हमें इसको सावधानी रखनी है। ये देखिए जो सब्जियां इसमें से निकल गई है ना बाहर, उनको इस तरह से थोड़ा सेट कर देंगे, बहुत ही आसानी से पलट जाता है। 2 स्पून लेके आप इसको पलटिएगा जब भी पलट रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा स्टफिंग वगैरह भर जाती है ना, तो थोड़ा सा पलटने में हल्की सी दिक्कत आ सकती है, तो सावधानी से आपको करना है। तो यहाँ पर फिर से मैंने इसको कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। तो ये हमारा एकदम बढ़िया टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हो गया। ये देखिए चीज़ भी कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है, मैं थोड़ा क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से चीज़ मेल्ट हो चुका है। तो अब हम इसको निकालेंगे। देखिए निकालने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ, 2 स्पून ले लीजिएगा इस तरह से, देखिए दोनों स्पून से उठाना है और सीधा आपको प्लेट पर इस तरह से रख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, काफ़ी आसानी से जिसमें से निकल जाता है। देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम मज़ेदार चीज़ ही एकदम वेज हमारा नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। अब आप चाहें तो चाकू से या फिर इस तरह से पिज्जा कटर से इसको काट सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको पिज्जा कटर से कट कर रही हूँ, इससे काफ़ी आसानी से अच्छे से कट हो जाता है। तो बिल्कुल सावधानी से हमें कट करना है, थोड़ा बहुत सब्जी अगर बाहर निकल रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको हम अंदर से अच्छे से सेट कर देंगे पीछे से, क्योंकि सब्जियाँ इसमें काफ़ी है ना, तो थोड़ा सा निकल भी जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको अच्छे से अंदर सेट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने इनको कट कर लिया। ये देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर और लुक दिखा देती हूँ,
वाह, ये देखिए चीज़ कितना अच्छे से मेल्ट हुआ है, एकदम अंदर से एकदम बढ़िया पका हुआ है। फ्रेंड्स, आप एक उस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करके देखना। आप इसको टमाटो सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी खा सकते हैं, बच्चे बड़े बड़े चाव से खाएंगे। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।